फिर एक बार स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल जेसी ऑन ग्लो पे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही स्वादिष्ट और आसान रेसिपी, स्पिनच वेजी चिकन बिरयानी, पालक चिकन बिरयानी। इसकी सामग्रियां है पालक, शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, फूल गोभी, और मसालों में हमने उपयोग किया है गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, और साथ ही साथ हमने अदरक लहसुन कड़ी पत्ता वगैरह उपयोग किया है। इसमें जो चिकन हमने यूज़ किया है इसको रात में दही, लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक के साथ मैरिनेट किया है करीब 10 से 12 घंटे। तो चलो दोस्तों देखते हैं इसे किस तरह से बनाया है। ये है पालक जो धुल के रखे हैं हमने, और ये है चिकन जो हमने रात को मसाले लगा के रखे थे। ये बारीक कटे हुए लहसुन स्वाद अनुसार उपयोग कीजिए अदरक के साथ, और बीन्स को जिस तरीके से आपको चाहिए, जितनी लंबाई अनुसार चाहिए उसके अनुसार आप काट सकते हैं। मैंने इसे लंबे लंबे ही रखे हैं। फिर आए शिमला मिर्च, इसे भी थोड़े बड़े आकार में रखा है मैंने। हरी मिर्च, जितना तीखा आप पसंद करते हो खाने के लिए उसके अनुसार आप उपयोग कर सकते हैं। ये रही हमारी ताजी हरी हरी पालक की पत्तियां, इसे आप बारीक या बड़ा जैसे चाहे काट सकते हो। ये हमारा प्याज, इसे मैंने बड़े बड़े ही काटे हैं, आप चाहे तो बारीक भी काट सकते हो। एक बड़े से पतीले में तेल डालिए, उसमें हमने डाला है तेज पत्ता, लवंग, इलायची। गरम होने के बाद थोड़ी देर में इसमें आप डाल सकते हैं प्याज। इसे थोड़ी देर सेक लीजिए जब तक कि ये इसका रंग बदल ना जाए और नरम ना हो जाए। इसमें मैंने अब कड़ी पत्ते भी डाले हैं। इस बिरयानी में काफ़ी हरी हरी सब्जियों का स्वाद आएगा जब आप बनाने के बाद, आपको हरी सब्जियां और चिकन का बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। इसमें मैंने एक पतीले में पानी भी गर्म रखा है जो मैं आखिर में यूज़ करूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये नरम हो गए हैं। इसमें मैंने मेरे सूखे मसाले डाले हैं। थोड़ी देर इसे सेक लीजिए, इसका जो कच्चापन है मसाला का जाने तक आप उसे सेक लीजिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से पक गए हैं। इसमें अभी हम डाल रहे हैं चिकन मसाले जो डाल के रखे हुए हैं हमने। और साथ ही साथ हमने डाले हैं हमारी सब्जियां। और ये रही हमारी पालक। पालक है हमारे इस रेसिपी का स्टार।
बहुत ही सुंदर दिख रहा है और इसी में बहुत स्वादिष्ट भी दिख रहा है, देखने में ही बहुत टेस्टी लग रहा है ये रेसिपी और खाने में भी उतना ही लाजवाब है और सेहत के लिए तो पूछो ही नहीं। सब्जियां है और चिकन है, प्रोटीन्स है, बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए भी। अच्छी तरीके से इसे आप मिक्स कर लीजिए और फिर ढक के रख लीजिए पकने के लिए। तो चलो देखते हैं दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से वो आधे पक गए हैं। इसका रंग भी बदल गया है, सारे मसालों का रंग आया है, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं अभी से। और इसमें मैंने नींबू डाला है, नींबू का जूस। फिर इसमें मैं डालूंगी जो चावल है, बिरयानी राइस है, इसको मैंने आधे घंटे भिगो के रखे थे पानी में, थोड़े नरम हो जाएंगे और जल्दी से पक के मिलेंगे मुझे। और फिर इसमें मैं डालूंगी जो गरम पानी मैंने रखे हैं। ये देखिए बिरयानी उबल रही है, बहुत ही सुंदर रंग है। इसे आप करीब 10 से 15 मिनट ढक के रख दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा लाजवाब बिरयानी, तैयार हो गई है। उसमें धनिया से सजा के रख सकते हैं आप। और आखिर में आप इसे दही के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी सा ये बन गया आपका पालक चिकन बिरयानी।